मैं हूं लकी और भाई साहब हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक रॉकेट लॉन्च किया था और वहां पे आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो कैसे बनाया था हम लोग। आज हम लोग उसको बनाने के लिए जो जो चीज हम लोगों को चाहिए वो आप लोगों को सब कुछ शेयर करेंगे आपको। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। तो गाइस हम लोग सेफ्टी के लिए हम लोग ग्लव्स पहन लिया है, ठीक है। और गाइस हमारे पास जो जो चीज हम लोगों को चाहिए रॉकेट बनाने के लिए ये है गाइस एक पीवीसी पाइप। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक बहुत बड़े साइज का एक पीवीसी पाइप है, ठीक है। और चाहिए हम लोग को एक वेटलिफ्टिंग मशीन, और चाहिए हम लोग को पोटाशियम नाइट्रेट। यहाँ पे देख सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट है। और चाहिए हम लोग को चीनी का पाउडर फॉर्म में चीनी को लाना होगा, ठीक है। और हम लोग को एक चाहिए एमसील, ठीक है। हम लोग इस तीन चार चीज़ों से हम लोग आज बनाने वाले हैं रॉकेट। तो आप लोग देखते रहेंगे वीडियो को। तभी हम लोग पहले क्या करेंगे, इस पाइप को जितना लंबा आप लोग रॉकेट कर सकते हो उसी हिसाब से काट लेना है पाइप को, ठीक है। तो पहले इसको काटते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे शुगर को और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट को दोनों को 65 और 35 यानी कि 35% आप लोगों को लेना है शुगर को और 65% लेना है आप लोगों को पोटेशियम नाइट्रेट को। इन दोनों मिक्स को एकदम एक्यूरेट होना चाहिए वरना आप लोगों को रॉकेट सही से नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो सब सही से कर लिया है, अच्छे से मिक्स करना होगा, ठीक है। ये जो खतरनाक केमिकल है इसको गाइस आप लोग घर पे ट्राई करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को इसका थोड़ा सा झलक दिखाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग सेफ्टी इसको यूज करेंगे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा खतरनाक स्मेल देता है, ठीक है। दिखा देते हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक रिएक्शन करता है। वो गाइस आप लोग इसको कितना ज्यादा खतरनाक है भाई, आप लोगों ने देख लिया ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं बार बार आप लोग बोल रहा हूँ कि आप लोग सही से सावधानी बरत के इस काम को करना, ठीक है। तभी हम लोग को दूसरी काम क्या करना है, इस पीवीसी पाइप को लेना है और दूसरी साइड एकदम सही से इस एमसील को लेना है। देखो गाइस ये होता है एमसील, ठीक है। इसके अंदर दोनों चीज होता है, एक होता है रेड और होता है ब्लैक, ठीक है। तो इसको ऐसे खोलना पड़ता है, ये ब्लैक कलर का चीज होता है एमसील, ठीक है। थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ये होता है एकदम पत्थर जैसे बन जाता है, ठीक है। कभी कभार रेड होता है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और थोड़ा मिक्स कर देना, इस तरह सामने वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा पूरा छोटा एक छेद लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे रखते हैं सूखने के लिए, अच्छे तरीके से सूख जाए बस। अभी रेडियो अभी वहाँ पे रॉकेट वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे देखो रॉकेट वहाँ पे लगा दिया है। अभी हम लोग इसको बैलेंस कनेक्ट करते हैं।
रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन, इसका हालात आप लोग देख सकते हो। भाई सब यार दिमाग घूम गया है। अभी गाइस दूसरे वाला फ्यूज लगाने वाले, तो गाइस अभी दूसरे बार रॉकेट को लॉन्च करने वाले, सिंगल वाले, ठीक है। वो तीनों था इसलिए मिडल वाले को गाइस दोनों को खींच नहीं पाया, ठीक है। अभी दूसरी बार ट्राई करते हैं, चलते हैं। 1, 2, 3, मैं आप लोगों को जब मैं मिक्स गन की बात कर रहा था कि जीनी को 35% लेना चाहिए और पोटेशियम नाइट्रेट को लेना चाहिए 65%, लेकिन मेरे को शायद चीनी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसलिए मतलब इतना ज़्यादा स्मोक निकल रहा है गाइस, मतलब ऊपर ही नहीं जा रहा है, क्या हुआ पता नहीं यार। ये गाइस पाइप का हालात देखो, ये देखो पाइप कैसे बैंड हो गया। पीवीसी पाइप है गाइस। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, टीवी से पाइप का हालात गाइस, ये देखो इसके अंदर क्या हो गया। ये क्या है, पीवीसी पाइप है या केले का छिलका? ओ भाई साहब इसको निकालते। जो रॉकेट का जो लॉन्चिंग स्टेशन था, यहाँ का हालात देख सकते हो। ये क्या यार, वायर का हालत देखो गाइस, इस वायर का यार पूरा का पूरा गया काम से, जल गया यार सारे के सारे।